हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूँ संतोष नहाके और मैं यहाँ पर विद्या निकेतन कॉन्वेंट जो है हाई स्कूल प्लस कॉन्वेंट यहाँ पे मैं आया हूँ। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो यहाँ पे ट्यूशन के लिए बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं तो उनको पूछूंगा उनकी राय पर्यावरण के लिए वो क्या कर रहे हैं। ओके, ठीक है, देखिए। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, कैसे हो आप सब लोग? गर्मी बहुत नहीं लग रही है ना? गर्मी लग रही क्या? रात को लाइट गई थी ना? हाँ। कैसा लग रहा था? गरम गरम, उबाल मारे उबाल मारे जैसा। तो लाइट भी गई थी तो एकदम कैसा हो रहा था ना। तो और आपको मालूम है आज विश्व पर्यावरण दिवस है, यानी पूरी दुनिया में पर्यावरण, पेड़ पौधे, धरती को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे। तो आप पर्यावरण के बारे में क्या, मतलब धरती को बचाना है, ठंडा रखना है, तो क्या करोगे आप? पेड़ पौधे लगाएंगे है ना, बहुत लगाना जरूरी। आ जाओ इधर। हाँ, तो आपने आप अपने बर्थडे में जो पेड़ लगाते हैं तो आपको वो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सबने लगाना चाहिए क्या पेड़ पौधे? हर एक बर्थडे में एक एक पौधा लगाना चाहिए ना। तो आपकी खेती बाड़ी है क्या गांव में पिताजी की? मेरी है। आपकी है ना, तो आपने बहुत सारे पेड़ लगाए क्या? हाँ। खेत में है ना लगाए हैं? जितनी उम्र के ना उससे ज्यादा पेड़ अच्छे। अरे बाप रे, वेरी गुड। तो हमने पेड़ पौधे लगाना चाहिए। 40-50 वेरी गुड। अलग अलग किस्म के ना? हाँ। ओके, आम, जाम। हाँ हाँ, हर तरह। तो अब बताओ, प्लास्टिक कचरा होता है तो प्लास्टिक कचरा रोकने के लिए आपका क्या विचार है? प्लास्टिक कचरा नहीं होना चाहिए, इसलिए लोगों ने नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या करोगे आप? कोई भी चीज़ फेंकना नहीं है प्लास्टिक के, उसे यूज़ करना है और डस्टबिन में डालना है ना। हाँ, अब आ जाओ इधर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है और अब कल रात को लाइट गई थी ना, कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा लग, बहुत गर्मी हो रही थी है ना, तो पर्यावरण खराब हो रहा है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। तो आप पर्यावरण बचाने के लिए आप क्या करोगे? पेड़ पौधे लगाएंगे। ओके, आप क्या करोगे? हम पेड़ों को पानी देंगे, कचरा नहीं करेंगे। हाँ, और ज्यादा पानी देंगे और ज्यादा पेड़ लगाएंगे। ओके, वेरी गुड। तो आपके क्या विचार है? हमारे विचार है कि हम पेड़ लगाने के साथ साथ जो इधर उधर जानवर, जो लावारिस जानवर रहते हैं, हाँ, उनके लिए पानी रखना चाहेंगे और जो पक्षी भी रहते हैं उनके लिए भी पेड़ के ऊपर पानी रखेंगे। ओके, हाँ, तो आने वाले समय में पानी के लिए लड़ाई होने वाली है, सच है क्या ये? हाँ, हाँ? तो पानी को किस तरीके से हमने उपयोग करना चाहिए? कोई नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पानी टपक रहा है। हाँ, तो तुरंत जाके इसको बंद करना चाहिए। वेरी गुड। तो आपके विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।